प्रधानमंत्री मोदी को एक चिट्ठी अब लिख दी है। इस चिट्ठी में उन 49 फिल्मी हस्तियों को जवाब दिया गया है जिन्होंने मॉब लिंचिंग की बढ़ती वारदातों को लेकर प्रधानमंत्री से हस्तक्षेप की मांग की थी। नई चिट्ठी कंगना रनौत, प्रसून जोशी, मधुर भंडारकर समेत 61 लोगों ने लिखी है। तो इससे पहले वो चिट्ठी सामने आई थी जब 49 हस्तियों ने यह चिट्ठी प्रधानमंत्री मोदी को लिखी, मॉब लिंचिंग को लेकर यहां पर काफी चिंता उनकी ओर से जाहिर की थी और कहा गया था कि सख्त से सख्त कानून, सख्त से सख्त सजा का प्रावधान इसमें किया जाए। अब उन्हीं 49 फिल्मी हस्तियों को इन 61 फिल्मी हस्तियों ने चिट्ठी के जरिए जवाब दिया है। कंगना रनौत, प्रसून जोशी समेत ये दिग्गज हैं जिन्होंने ये चिट्ठी यहां पर प्रधानमंत्री को लिखी है। एक तरह से जवाब यहां पर दिया गया, देखिए ये तस्वीरें यहां पर आपके सामने हैं इन दोनों ही चिट्ठियों की। 61 हस्तियों का ये लेटर जो आज दिया गया है यहां पर, बचाव करते हुए स्थिति को लेकर, जो मॉब लिंचिंग की स्थिति को लेकर ये 49 हस्तियों की ओर से चिट्ठी, अभी से कुछ दिनों पहले ये चिट्ठी सामने आई थी। दोनों ये लेटर हम आपको दिखा रहे हैं। अब मॉब लिंचिंग को लेकर लगातार यहां पर विवाद जारी है, मुद्दे उठते रहते हैं, तमाम खबरें सामने आती रहती हैं, खुद प्रधानमंत्री मोदी की ओर से बयान इसमें दिए जाते हैं, लेकिन जब विरोध जताया जाता है तो कुछ इस तरह की शक्ल उसकी होती है। 49 हस्तियों का ये लेटर जो आप अपने सामने देख पा रहे हैं जिसमें मॉब लिंचिंग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एड्रेस करते हुए एक तरह से खत लिखा गया था, अपनी चिंताएं जाहिर की गई थी। ये कहा गया था कि इस पर सख्त से सख्त कानून बनाया जाना चाहिए क्योंकि इस तरह की जो घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं, मॉब लिंचिंग की घटनाएं। और इसी के जवाब में अब एक नई चिट्ठी सामने आई है जिसमें 61 हस्तियां, इसमें कंगना रनौत का नाम शामिल है, प्रसून जोशी का नाम शामिल है और तमाम वो हस्तियां हैं जिन्होंने उस चिट्ठी का जवाब दिया है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखी गई थी मॉब लिंचिंग की बढ़ती हुई घटनाओं को लेकर। तो चिट्ठी का जवाब चिट्ठी से दिया गया है, मॉब लिंचिंग को लेकर ये चिट्ठी यहां पर लिखी गई है, संज्ञान कितना लिया जाता है ये अपने आप में देखने वाली बात होती है क्योंकि इन चीजों पर आमतौर पर सिर्फ राजनीति होती है। देखिए मेरा ये कहना है कि बहुत सारे लोग जानकारी के अभाव में गुमराह होकर या सिलेक्टिव आउटरेज में, उनको शायद पता भी नहीं कि हमारा राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है, ऐसा मैं मानती हूँ। हो सकता है कुछ जानबूझ के जो है करते भी हों, उनका कुछ राजनीतिक भाव भी हो, लेकिन अधिकतर मेरा मानना है कि इन लोगों को समझ कम है, इनको जानकारी ही नहीं है कि देश के अंदर क्या है, कानून की क्या व्यवस्था है, किसको क्या सजा मिलती है। और देश में जहां पर किसी के भी मारने पीटने के खिलाफ कानून है वहां पर पशुओं के अधिकारों के प्रति भी कानून है, वहां पर स्मगलिंग के खिलाफ भी कानून है, वहां पर लड़कियों को छेड़ने के खिलाफ भी कानून है, जेब कतरों के खिलाफ भी कानून है और ऐसी तमाम व्यवस्थाओं के खिलाफ कानून है। और कुछ लोग कानून के रहते कानून का भी लगातार उल्लंघन होते हैं और जो डेस्परेशन समाज में पैदा होती है, जो कि बहुत ही सेंसिटिव समाज है, वो फिर रिएक्ट करता है। तो ये एक ऐसा विषय है जिसमें अधिक जानकारी, विश्वास और मुद्दों पर केस टू केस बात होनी चाहिए और लोगों को भ्रमित ना किया जाए इसका भी विचार होना चाहिए। दो पक्ष हैं, पहला तो ये है कि कुछ लोग जानबूझ के ये हरकतें कर रहे हैं और कुछ लोग भ्रमित होकर ये हरकतें कर रहे हैं। तो जो लोग जानबूझकर कर रहे हैं और जानबूझकर इन सेलिब्रिटीज के चेहरे इस्तेमाल कर रहे हैं उनका भी पर्दाफाश होना चाहिए और साथ ही जो लोग जानबूझकर कर रहे हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। इसी आई पर्सनली आई एम ऑफ द ओपिनियन।